फाइनली गाइस तो हम रेडी हो चुके हैं अभी, और मम्मी चली गई है खेत पे, तो उनसे थोड़ा मिलने जाते हैं, और नहीं तो वो आ रही होगी, उनको भेजे हैं विक्की को बुलाने के लिए। विक्की अगर के साथ आ जाएगी मम्मी तो ठीक है, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनका आशीर्वाद ले लेंगे और सीधा चलेंगे अपने बाइक पे और स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। फाइनली गाइस हम लोग चल रहे हैं अभी, और मम्मी का आशीर्वाद ले लेते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधा अपने बाइक पे। मम्मी का आशीर्वाद ले लेते हैं और मम्मी थोड़ा सा सैड हो गए हैं, तो चलते हैं सीधा अपना बाइक पे। और अखिल भाई कलवाही पहुँच चुके हैं और राकेश हमारे साथ चलेगा, सीधा हम कलवाही में आपसे मिलते हैं। तो फाइनली सुमन भाई से हमने गोपड़ो ले लिया है और ये अखिल भाई के लिए लिए हैं, देख सकते हो सेटअप भी कर दिए हैं पूरा। और सुमन भाई तो जा नहीं रहे, कुछ बता दीजिए अगर नहीं जाना चाहते क्या रीजन से नहीं जा रहे हैं। ये बहुत सारा काम है बहुत सारा काम है। चलिए हमने गोपड़ो ले लिया, इनका माइक भी ले लिया, अपने जेब में रखे हैं सब, एडाप्टर सब, मीडिया मोड सब ले लिए हैं, और चलते हैं सीधा अखिल भाई से मिलते हैं कलवाही चौक पर। तो हमने ट्रिप A0 कर लिया है, देख सकते हो आप 3128 किलोमीटर चला, ट्रिप A0 कर लिए हैं, ट्रिप B भी जीरो हो चुका है। अब चलते हैं सीधा, निकलते हैं यहाँ से। फाइनली अभी हम कलवाही पेट्रोल पंप पे हैं और अखिल भाई ढाबा पे रुके हैं, इसको फुल करवाते हैं, पहले इसका भूख मिटाते हैं और फिर निकलते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोग का चाय आ चुका है और अखिल भाई को मैंने गोप्रो दे दिया, फिक्स भी हो गया, अभी माइक एडाप्टर वो सही कर रहे हैं, माइक लगा रहे हैं। तो पीते हैं यहाँ पे चाय और हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पहले से लेट हो चुका है, इसकी वजह पीते हैं चाय और निकलते हैं यहाँ से। क्या अखिल भाई क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक यही बोलती है कि आराम से निकलेंगे अब यहाँ से। जरूर जरूर जरूर, ठीक लेट हो। फाइनली गाइज हम लोग जयनगर पहुँच चुके हैं, कलवाही से निकले थे अभी थोड़ा देर पहले, और ये भीड़ देख करके ना गाइज बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि कलश यात्रा नवरात्रि के लिए है निकला हुआ है, तो इसके वजह से। और आपसे मिलते हैं सीधा बॉर्डर पर, क्योंकि भीड़ में ब्लॉगिंग कर नहीं पाएंगे हम। और यहाँ पर मंदिर है जगह भगवती, और यहाँ पर हमारा चेकअप होगा। नेपाल जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसा गैजेट है, कुछ सामान वामान है छोटा मोटा, और कुछ नहीं। पेपर ऊपर बैग में कपड़ा है, दिखा दो। तो फाइनली हम लोग का ये इंडिया का सीमा है, इससे आगे नेपाल का एक बॉर्डर आएगा, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, और देख सकते हो आप लोग। अखिल भाई भंसार बन गया ना? हाँ भंसार कट गया हमारा। कितना का भंसार बना है? भंसार 600 रुपये नेपाली का, 600 रुपये 600 नेपाली, और 2 दिन का भंसार बना है गाइज। अभी पैसा देते हैं और सीधा चलते हैं बाइक पे। ये खड़ा अपना बाइक गाइज नेपाल के बॉर्डर पे, ये भैया मिल गया हमें, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी है। और आप नेपाल से ही हैं? हम नेपाल से है, कस्टम कर्मचारी है हम नेपाल। अच्छा, से अच्छा। हम आपका जो इंडिया का सौरभ जोशी है ना, सौरभ जोशी ब्लॉग, सौरभ जोशी ब्लॉग इसका फैन जट प्रभजोत, जिनका भी एक्सीडेंट हो गया था उसका भी फैन है हम। तो भैया मिले, इनसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और हम लोग का यहाँ पे भंसार उनसार हो गया है, तो हम लोग अब सीधा यहाँ से हलीसी के लिए निकलेंगे, ऐसे ही ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके। थैंक यू भैया मिल के, आपसे बहुत अच्छा लगा। और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? आप लोग को नेपाल में स्वागत है, यही बोलना चाहते हैं। अच्छी तरह जाए यहाँ पर, हमारे नेपाल में बहुत अच्छा यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, पहाड़ है, मतलब नेपाल में आप जो खोजिएगा वो मिलेगा बिंदास, एक से एक पहाड़ है, एक से एक रास्ता है, एक से एक हर एक चीज मिलेगा। वास्तव में बात क्या है कि भाई सब राइडर है, मोटरसाइकिल राइडर है, इसलिए नेपाल में अच्छा है यहाँ पर, हम अच्छा ठाव है यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। थैंक यू। तो हमें भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू भैया, फिर मिलेंगे कभी अगर ऐसा ही राइड हम लोग का चलता रहा तो। हाँ ठीक है, थैंक यू। मारेगा कार भैया, बोलिए सर क्या दिखाएं? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, जाइए ना, ठीक है। क्या चीज है, क्या इस बस वही है जो आपके सामने है, सीसी कैमरा भी है ना? कैमरा तो इधर है, कैमरा। ये क्या चीज है? ये लाइट है, लाइट लाइट लाइट, अंधेरे में अगर मान लीजिए हमारा मोटरसाइकिल कम लाइट देता है इसकी वजह से। कते कते पड़े छे ये? इंडिया में 1,60,000। 1,60,000 है? हाँ, अभी इसका 64 हो गया, जब हम लिए थे तब 1,60,000 6 महीना पहले। नहीं बताते
रोड का कैप्चर करता है। हम अभी आ चुका है मर्डर बॉर्डर में, नेपाल प्रवेश कर रहे हैं हम, होते रहेगा इस सारे रास्ता। चला चैनल तो कोई सब्सक्राइब कर नहीं रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग बॉर्डर से अभी निकल चुके हैं और ये मारर में मारर गांव है, मतलब ये शहर है छोटा सा, और यहां से डायरेक्ट हम लोग चलते हैं मिर्चैया। मिर्चैया से रुकेंगे, मिर्चैया में रुकेंगे और कुछ वहां पे खाएंगे, क्योंकि भाई अपने टाइगर का तो पेट फुल है, हमारा पेट खाली हो चुका है क्योंकि सुबह में खाए थे, थोड़ा सा नाश्ता किए थे, और चलते हैं यहाँ से सीधा मिर्चैया। तो फाइनली गाइज हम लोग मिर्चैया पहुंच चुके हैं और ये कटारी वाला रास्ता में हम लोग हैं अभी, कहीं पे खाने के लिए अच्छा सा कुछ देखते हैं, खोजते हैं, अगर मिल गया तो खा लेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, इसके लिए उमेश होटल में देखते हैं कुछ मिलता है खाने को तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी पौड़ी पे चढ़ रहे हैं, उमेश भाई का होटल है और देखते हैं क्या मिलता है हमें खाने में। पौड़ी बाबा तो फाइनली गाइस हम लोग का खाना आ चुका है और खाना में क्या क्या है वो दिखाते हैं। खाना में देख सकते हो आप दाल चावल पापड़ साग आलू गोभी और आलू का भुजिया प्याज सलाद अचार और देख सकते हो आप। तो अखिल भाई कैसा लगा फुल नेपाली थाली? बढ़िया नेपाली खाना है, खाते हैं उसके बाद टेस्ट कैसा होता है बताते हैं जरूर। तो फाइनली हम लोग का खाना पीना डन हो चुका है और अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और कितना देर में पहुँचते हैं कटारी पहुँचने के बाद देखते हैं कितना टाइम और लगे हम लोग को। तो मिर्चैया का कुछ बाहर का व्यू देख लीजिए आप लोग, नाम काफ़ी अच्छा है मिर्चैया भाई, और ये देख सकते हो हम उमेश होटल के ऊपर थे। तो चलते हैं सीधा अपने बाइक पे और लगाते हैं हेलमेट में माउंट। तो फाइनली हम लोग मिर्चैया से फिर अपना राइड स्टार्ट कर दिए हैं और लेते हैं महादेव का नाम, भोलेनाथ सबके साथ राधा महादेव। और इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, हम लोग को लग रहा है रोड थोड़ा सा ख़राब मिलेगा, और वो हमारे सामने में पहाड़ दिखना चालू हो गया है गाइस, आप लोग देख सकते हो, ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी थोड़ा और ना दिख जाएंगे तो आपको पहाड़ दिखेगा, फिर उतना ज़्यादा पहाड़ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, और दिखाएंगे हम भाई पहाड़ी पहाड़, आगे पहाड़ों की दुनिया में। तो हम लोग पहाड़ देखिए आप, ऐसे ही आपको पहाड़ दिखेगा, ये सब पहाड़ी पहाड़ है। 10 मिनट में हम लोग पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, 10 मिनट के अंडर में, और इससे भी खूबसूरत हरे भरे पहाड़ देखेंगे आप लोग के ब्लॉग में। देख सकते हो गाइस आप लोग को पहाड़ दिख रहा होगा, और यहाँ से छगड़िया पुल से पहाड़ स्टार्ट चालू हो जाता है हम लोग को, तो एक नंबर। तो फाइनली गाइस हम लोग कटारी पहुँच चुके हैं अभी, और ये कटारी का मार्केट है। तो अखिल भाई का जो टायर हगर का 10 नंबर का बोल्ट था वो लूज हो गया, तो उसको टाइट करवा रहे हैं, और ये बगल में कटारी बस स्टैंड है, और देख सकते हो आप हम लोग कहीं पे चाय का टपरी पे रुकते हैं और चाय का चुस्की लेते हैं, और यहाँ का टेस्ट बताते हैं कि आपको कैसा लगा। क्या नाम है छोटे तुम्हारा? मेरा नाम है जिशान। तुम्हारा शॉप है ये? हाँ? शॉप तुम्हारा है जी। हाँ तुम भी आगे वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड्रॉयड फ़ोन रखे हो ना? फोन नहीं है, आपका है। चलो जिसका भी हो नाम देख लो, ये याद रहेगा ना जी। और उसका भी देख लो अखिल। तो फाइनली गाइस हम लोग 4-5 घंटे राइड करने के बाद फाइनली कटारी में पहुंच चुके हैं, और इस ब्लॉग के हम
यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।